अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहानारा फैशन टिप। सो गाइस, आज मैं इस डिज़ाइन को आपको बना के दिखाने वाली हूँ। इसकी चादर की वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। दो कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ, एक मेहंदी ग्रीन कलर का और एक मेहरून कलर का। मेहंदी ग्रीन कलर के धागे का नंबर है 00269 एंड दूसरे धागे का नंबर है 0022। ओके, तो हम इन दोनों धागों का यूज़ करेंगे। जो एक लाइन है वो हम मेहरून से बनाएंगे और एक हम मेहंदी ग्रीन कलर से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने धागा डाल दिया, सिंगल धागे से बनाएंगे। पहले हम मेहंदी ग्रीन कलर से बना रहे हैं। तो ये जो प्लेन लाइन है, सीधी जो लाइन है, इसको हम मेहंदी ग्रीन कलर से बना रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ लाइन बनाने के लिए, वैसे हमें लाइन बनाना है। टाका लेना है और उसको देखिएगा, उसको इस तरीके से हमें आधे टाका निकाल कर बनाते जाना है। एंड गाइस, इस टाके को बनाने के लिए मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे जिनको ये लगता होगा किस किस तरफ हम इस धागे को सुई में डालें। तो देखिएगा, जिस तरफ से घुमाव होता है ना हमारे डिज़ाइन में, देखिए घुमाव इस तरफ से, तो धागा जो है उसके अपोजिट साइड में जाएगा। देखिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ, देखिए मेरा घुमाव इस साइड है, तो देखिए मैं धागे को इधर डाल रही हूँ। तो इसी तरीके से होगा गाइस। तो जहाँ भी घुमाव अगर जिस साइड में होगा, उसके अपोजिट साइड में धागा डलेगा गाइस। अगर आगे जाते जाते घुमाओ किसी और साइड हो जाएगा, तो हम उसके अपोजिट साइड में धागा को डालेंगे। ओके, इसी तरीके से ये डिज़ाइन, ये जो लाइन होता है वो बनता जाएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका ये लाइन बाद में ख़राब भी हो सकता है। क्योंकि आपका धागा जो है, अगर आप अपोजिट साइड में धागे को नहीं डालेंगे, तो आपका जो धागा है वो ख़राब दिखेगा। वो ऐसा लगेगा कि लाइन नहीं, वो लाइन गिर रही है, ऐसा फील होगा। आप बना के देखिएगा, आपको फील होगा कि वो लाइन गिर रही है। लेकिन हमेशा यही है कि जिस साइड्स में गहराई होगी, उसके अपोजिट साइड में हम धागा को डालेंगे। ओके, तो आपका बिल्कुल डिज़ाइन अच्छा बनेगा और खूबसूरत दिखेगा और लाइन अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए, इसी तरीके से मैं पूरे लाइन को कंप्लीट कर लूँगी, तो आप भी इसी तरीके से इस पूरी लाइन को कम्प्लीट कर लीजिएगा। ओके, देखिए गाइस, डिज़ाइन जो है, मैंने जो चादर बनाया है, वो मैंने टू कलर से बनाया है सिर्फ। मतलब टू शेड के जो धागे आते हैं, वो बेबी पिंक और डार्क पिंक कलर का शेड है उस जो चादर मैंने बनाया है। बट इसको मैं दो कलर से इसलिए बना रही हूँ, बिकॉज ये मैं तकिए पे डिज़ाइन बना रही हूँ गाइस। जो मैंने चादर बनाया, चादर पे जो डिज़ाइन बनाया है, वही मैं तकिए पे बना रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए, मैं पूरे डिज़ाइन को कम्प्लीट करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये मेरा पूरा लाइन कम्प्लीट हो गया। अब मैं इसको बना रही हूँ, इसके लिए मैं मैरून कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिएगा, जो भी आप चादर बनाते हैं, आप चाहें तो उसका तकिया भी बना सकते हैं। जैसे कि हम जब शादियों में तकिया भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो उसके लिए मैं तकिया बना रही हूँ। इसीलिए मैं इसमें अलग कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आपके लिए वीडियो भी शूट किया कि आप इसको, आप भी इसे बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए, अब मेरी कंप्यूटर डिज़ाइन है, तो जस्ट मैं आगे की तरफ धागा ले रही हूँ और फिर मैं बनाती जा रही हूँ। देखिए, तो हमें इसी तरीके से डिज़ाइन बनाना है। बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ जो डिज़ाइन बना हुआ उसी पे हमें जस्ट धागा चलाना है। कंप्यूटर डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा टाइम लगता है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो देखिए, इसी तरीके से हमें पूरे डिज़ाइन को बना लेंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अभी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने कंप्यूटर डिज़ाइन आपको बनाना सिखाया था। उसी तरीके से ये डिज़ाइन में बनेगा। तो ये भी कंप्यूटर डिज़ाइन का ही एक डिज़ाइन है। इस चादर की कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और उससे आप पूरे चादर की भी डिज़ाइन ले सकते हैं। उसमें पिलो कवर एंड चादर का, दोनों का डिज़ाइन मैंने अच्छे से आपको शेयर किया है। तो आप वहाँ से पूरा डिज़ाइन ले लीजिएगा और यहाँ से आप बनाने का तरीका देख सकते हैं। ओके, चादर की पूरी डिज़ाइन की कंप्लीट वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। एंड साथ ही साथ मैं एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगी, तब वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए, मैं इसी तरीके से करते करते इस पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लूंगी इस धागे से। ओके, अब मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, बस मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं आपको बीच वाला डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ, इसी से हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे गाइस। ओके, एंड गाइस, बताना चाहूँगी, मेरे चैनल पे इस तरीके की और भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, चादर की, आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी की, पिलो कवर, आपको कुशन कवर की। तो बहुत सारे आप मेरी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे विज़िट करके। तो देखिए, इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए गाइस, बीच का डिज़ाइन बनाते हैं। जो बीच का राउंड है, उसको मैं मेहंदी ग्रीन कलर से बनाऊँगी। एंड जो फ्लावर है, उसको मैं
मैरून कलर से बनाऊंगी। तो चलिए मैं बनाती हूँ। देखिए मेहंदी ग्रीन कलर से इसको बनाने के लिए जैसे मैंने ये लाइन बनाया था मेहंदी ग्रीन कलर का, उसी पैटर्न का यूज़ करेंगे बनाने के लिए। देखिए मैं उसी तरीके से टूप लेती जाऊंगी और जैसे मैंने बताया जिस तरफ हमारा गहराई रहेगा उसके अपोजिट साइड में हमें धागा डालना है सुई में और हमें निकालते जाना, तो हमारा राउंड बनता जाएगा। तो देखिए उसी तरीके से मैं कर रही हूँ और ये मेरा राउंड बनता जाएगा। तो चलिए मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस मेरा राउंड कंप्लीट हो गया, जस्ट मेरे को दो टूप और लेने और मेरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से सबसे पहले मैंने राउंड कंप्लीट किया, मैंने चादर में दो क्रॉस भी लगाए पर मैं इसमें नहीं लगा रही हूँ, मैं इसमें ऐसे ही रहने दूँगी। अब देखिए मैं मैरून कलर से फ्लावर को बनाऊँगी, तो जस्ट हमें इस तरीके से फ्लावर बनाना है, बहुत मुश्किल नहीं है इस डिज़ाइन को, कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। देखिए इसी तरीके से हमें बनाते जाना है, जस्ट हमें लाइन पे धागे को चलाते जाना है। आप इसे टू शेड में बना सकते हैं, मैंने अपने जो चादर बनाया है वो टू शेड के धागे से बनाया है। ये मैं जस्ट पिलो कवर बना रही हूँ इसलिए मैं इस पर दो कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये भी देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है दो कलर के धागे से। तो मैंने आपको दोनों डिज़ाइन दे दिया, आप चाहें तो दो कलर के धागे से बना सकते हैं या फिर आप टू शेड में भी इसे बना सकते हैं, जस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस तरीके की और भी वीडियो मैं लाती रहूँगी गाइस, तो मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। इसी तरीके से आप ये पूरे डिज़ाइन को कम्प्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड गाइस ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, ये भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी रिकमेंडेशन पूरी करूँगी। ओके गाइस फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।